हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लिखा रहा हूँ, देखिए आईसीआईसीआई बैंक शेयर। अब आईसीआईसीआई के बैंक के शेयर को आप देखिए। अब ये टाइटल जो आप पढ़ रहे हो, द रियल स्टोरी स्टार्ट्स नाउ, मैं कहूँगा भाई असली कहानी जो है उसकी शुरुआत अब होगी। क्वार्टर थ्री का जो धमाका हुआ है वो शेयर को बिल्कुल ब्रह्मोस मिसाइल बनाने वाला है, वो आप भी देख सकते हो। मंडे यानी कि 27 जनवरी को आप इस धमाके का जो रियल टेस्ट, नहीं मैं कहूँगा रियल लाइव देखोगे इस धमाके को कैसा, वो देखिए। जैसा कि आपने देखा क्वार्टर थ्री के जो नतीजे आए, जो प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक एचडीएफसी बैंक है, उसके नतीजों ने भी इन्वेस्टर्स को दुखी किया, मैं कहूँगा काइंड ऑफ, क्योंकि वहाँ पे भी आपने देखे एनपीए बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक ने एक बड़ा धमाका किया है क्वार्टर थ्री में, और लोग ऐसा लग रहा है कि एचडीएफसी बैंक से भी पैसा निकाल के आईसीआईसीआई बैंक के शेयर की तरफ मूव करेंगे। जरा देखते हैं इसके रिजल्ट को, देखते हैं साथ में टेक्निकल फंडामेंटल को देखते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलता है द रियल धमाका फंडामेंटल विद टेक्निकल, साथ में बेहतरीन क्वार्टर थ्री के नतीजे, जिससे आप ले सकते हो बढ़िया फायदा। और आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और ध्यान दें, अगर आप नए हो शेयर मार्केट में, अब तक डीमैट अकाउंट नहीं खोला तो जल्दी से जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उस पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट जरूर ओपन कीजिए, तभी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओगे। अब मैं लेके चलता हूँ आपको स्टॉक की तरफ। ये देखिए जरा आईसीआईसीआई बैंक के शेयर को देखिए। यहाँ पे मैं आपको एक चार्ट जो ये दिखा रहा हूँ, यहाँ पे 6 डिफरेंट टाइम फ्रेम पे मैं आपको ये डिटेल्स दिखा रहा हूँ। जरा सोचें, जरा समझें, क्या आपको इस तरीके से सिस्टम कहीं पर देखने को मिलता है? मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके हम आपको दिखाते हैं। मल्टी टाइम फ्रेम, इसमें देखिए आईसीआईसीआई बैंक का आपका मंथली, वीकली, डेली, आवरली, 15 मिनट, 5 मिनट, सारे आपको पॉसिबल कॉम्बिनेशन दिखा दिए। और टेक्निकल को मैं यहाँ पे किसी इंडिकेटर के साथ नहीं, बल्कि मार्केट के स्ट्रक्चर, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों, बेसिक्स के साथ पे आपको बताने की कोशिश करता हूँ। और मैं अभी आने वाले टाइम पे पूरा एंड टू एंड डिटेल आपको टेक्निकल्स के बारे में और बताने की कोशिश करूँगा, बिल्कुल जड़ से लेके उसकी एक अलग सीरीज में बनाने की यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ, और उसको भी लेके आऊँगा बहुत ही जल्द। फिलहाल आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर बात करते हैं और फिर इसके टेक्निकल को देखेंगे। पहले क्वार्टर थ्री के नतीजों को देखते हैं। जैसे कि आप देखें आईसीआईसीआई बैंक एक टॉप का बैंक है, बहुत ही बेहतरीन बैंक माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ टाइम में परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रह रही थी। आज जो नतीजा आया है उसको देखते हैं पहले। अब जो नतीजा आया वो कितने बजे आया है वो देखिए। नतीजा आज की डेट में आया 2:30 बजे के आसपास, और 2:30 बजे के आसपास रिजल्ट तो आया है। अब इस रिजल्ट को डिटेल में देखते हैं कि कैसा ये रिजल्ट रहा। देखिए यहाँ पे मैं आपको जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। 2:30 बजे के, आज सैटरडे है तो मार्केट क्लोज थी, यानी कि असर जो मिलेगा देखने को वो मार्केट ओपनिंग यानी कि मंडे को देखने को मिलेगा। अब जरा देखें समझे, यहाँ पे कंसोलिडेटेड रिजल्ट की हम बात करेंगे। किसकी? कंसोलिडेटेड रिजल्ट की। अब इन पॉइंट को देखना और परसेंटेज आप अपने आप कैलकुलेट करना, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे नंबर्स दिखाना चाहता हूँ जो मुझे काफ़ी इंप्रेसिव नंबर लगे आपका शेयर, इसीलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त नंबर्स हैं। टोटल इनकम से मैं स्टार्ट करूँगा, सारी नंबर्स जो हैं ये देखिए सबसे पहले करोड़ में है। तो देखिए 38,370 करोड़ की टोटल इनकम जो दिखाई है, इसमें आप इंटरेस्ट इनकम देख सकते हो, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट देख सकते हो, सारी जबरदस्त यहाँ पे पढ़ता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल अगर आप देखें पिछले साल ये 33,000 करोड़ के आसपास था और इस बार 38,000 करोड़, यानी कि 5,000 करोड़ का जंप पिछले साल दिसंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में। नंबर्स आर इम्प्रेसिव, इधर यू कंपेयर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंटरेस्ट अर्न्ड, दिस इज द टोटल इनकम आई एम टॉकिंग अबाउट, ह्यूज जंप इन द टोटल इनकम। नाउ चेक द एक्सपेंडिचर ऑल्सो, 26,000 करोड़ से बढ़ता हुआ 29,000 करोड़ हुआ है एक्सपेंडिचर, यानी कि एक्सपेंडिचर भी बढ़ा है। तो हम चलते हैं किसकी तरफ आगे, जो हमारे पास है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर चलेंगे हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जैसे कि मैं बार बार कहता हूँ वो एनपीए, किसी भी बैंक का एनपीए जरूर देखें, मैं हमेशा कहता हूँ आपसे, क्योंकि वही, चाहे आपने देखा होगा कि एचडीएफसी बैंक का प्रॉफिट 37-38% बढ़ा था, लेकिन एनपीए में जो है वो एनपीए में थोड़ा सा जो पिछली बार का एनपीए का परसेंटेज था उससे बढ़ के निकल के दिखाई दिया, यानी कि मतलब अच्छी बात नहीं है एनपीए बढ़ा हुआ, तो वही शेयर में गिरावट देखने को मिली है। अब आईसीआईसी बैंक की भी हम डिटेल देखेंगे, फिलहाल मैं प्रॉफिट की बात करता हूँ। देखिए ओवरऑल प्रॉफिट अगर मैं देखूँ तो 4,670 करोड़, 4,670 करोड़ का प्रॉफिट, जो कि लास्ट ईयर कितना था 1,874 करोड़। अब देखिए आप
1874 का अगर मैं डबल भी करूँ तो 18 दूना 36 होता है इसका, देख लीजिए 37-38 सौ करोड़ होता है, लेकिन दिस नंबर इज अराउंड 46-47 हंड्रेड करोड़। इम्प्रेसिव नंबर, इट्स मोर देन डबल, मैं डबल से भी ज़्यादा मैं कहूँ कहूँगा कि ये 150% से ऊपर है। आप देख लीजिए अलग अलग जगह, इट इज़ मोर देन 150%, तो इम्प्रेसिव नंबर है। तो क्या कल की डेट में इसमें जंप आएगा? डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड डे फॉर ICICI बैंक ऑन मंडे। द स्टॉक विल ओपन विद अ बिग गैप अप ओपनिंग, बिग गैप अप ओपनिंग मैं कह सकता हूँ यहाँ पे। और अगर देखें सेप्टेम्बर क्वार्टर में 1131 करोड़ का प्रॉफिट था और अब देखिए कितना प्रॉफिट हो चुका है। तो नंबर्स आपको सब कुछ दिखा रहे हैं, तो द रियल स्टोरी ऑफ ICICI बैंक शेयर्स विल स्टार्ट फ्रॉम मंडे। अब देखें भाई मंडे से तो स्टार्ट होगी, लेकिन एक चीज़ हमारी अभी यहाँ पे रह गई है और वो चीज़ क्या है? हमारी NPA। NPA के बारे में ज़रूर बात करेंगे भाई। NPA इज़ द इम्प्रेसिव नंबर बैंक के शेयर में। अगर आपने NPA नहीं देखा तो क्या देखा? कुछ नहीं देखा मतलब आपने। अब NPA पे नज़र डालिए, ज़रा देखें, बिल्कुल बारीकी सी देखें इसको। अगर इसमें इंप्रूवमेंट होगी तो शेयर में बड़ी गैप अप ओपनिंग होगी, क्योंकि प्राइवेट बैंक के शेयर में अभी मैं देख पा रहा हूँ NPA इतने अच्छे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए आप ग्रॉस NPA 7.75 से 5.95 गया। दिस मीन्स अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट, कितना ह्यूज जंप यहाँ पे आप देख पा रहे हो, कितना पॉजिटिव। 7.75% से 5. मतलब जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उनकी क्वालिटी सुधरी है। और दूसरी चीज़ नेट NPA को देखिए, 2.58% से 1.49%, ये देखिए वो 1% से ज़्यादा की गिरावट, 1% से ज़्यादा की गिरावट। तो भाई बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इम्प्रेसिव रिजल्ट है भाई। बाकी आप मंडे को देख लेना, क्लियर कट दिख रहा है यहाँ पे कि ICICI बैंक का शेयर जो है रॉक एंड रोल करने वाला है मंडे को। मज़ा आने वाला है ICICI बैंक के शेयर के इन्वेस्टर को। अगर इन्वेस्टेड हो तो रेडी हो जाओ, लेकिन अभी मैं आपको टेक्निकल की तरफ ले जाता हूँ। ज़रा देखें, ज़रा समझें यहाँ पे ICICI बैंक के शेयर को। अगर मैं दिखाता हूँ आपको तो देख लीजिए, ऑलरेडी फ्राइडे को जो है 42% की डिलीवरी देखने को मिली थी, लेकिन मंडे को आप सब देखिए किस तरीके से इसमें भूचाल आने वाला है। अब ये चार्ट आप देखिए, ये चार्ट जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें जैसे मल्टी टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा था, अब इस स्ट्रक्चर को देखें। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं वो बिल्कुल मंथली चार्ट को ज़रूर देखें, और ये बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चर आपको देखने को मिला होगा कि 2015 में ICICI बैंक का शेयर 356 का हाई बनाने के बाद बिल्कुल नीचे गिरा। आप देखिए इसको, बिल्कुल नीचे गिरने के बाद ये बॉटम पॉइंट देखिए कहाँ आ गया था, 160 के लेवल पे। उसके बाद क्या रैली दिखाई इसने, और रैली दिखाने के बाद जैसे कि मैं आपको कहता हूँ ब्रेकआउट, ब्रेकआउट जो पोजिशनल ट्रेडर होते हैं जो ब्रेकआउट खेलते हैं, वो देखिए किस तरीके से वो मंथली चार्ट को, वीकली चार्ट को, डेली चार्ट को, सबको अलाइनमेंट करके चलते हैं। और वो ब्रेकआउट अगर खेलते हैं तो यहाँ पे देखिए, ये जो 358 का ब्रेकआउट यहाँ पे खेला होगा किसी ने दिसंबर 2018 या फिर जनवरी फरवरी 2019 में ये ब्रेकआउट खेला होगा। देखिए किस तरीके से काइंड ऑफ कप एंड हैंडल पैटर्न आप इसको कह सकते हो, लेकिन कप एंड हैंडल पैटर्न छोड़िए, ये तो भाई एक बड़ी करेक्शन थी, उसके बाद बड़ा जंप, और ये बड़ी जंप में देखिए इस इम्पल्स वाले लेग का ये हल्का सा करेक्शन आया, फिर अगला जंप। और जो अभी पिछले 4 महीनों में मैं देख रहा हूँ कि ICICI बैंक का शेयर 380 से 550 के लेवल तक पहुँच चुका है, क्या ये स्टोरी कंटिन्यू होगी? डेफिनेटली ये पांचवा महीना फिर से रिजल्ट क्योंकि आ चुका है बड़ा जंप। अब आप देखिए 2 महीने करेक्शन, फिर जंप। अब वीकली चार्ट में आप स्टॉक को देख लीजिए किस तरीके से हल्की सी करेक्शन आती है फिर जंप आता है, और इसी तरीके से आप डेली चार्ट में देखिए। डेली चार्ट में 200 मूविंग एवरेज का बहुत ही बढ़िया सपोर्ट लिया था इसने, कब? ये सितंबर 2019 में, आप देख सकते हो किस तरीके से। और मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि गोल्डन क्रॉसओवर की मैं जब बात करता हूँ डेली चार्ट में, व्हेन अ 50-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्रॉसेस 200-day मूविंग एवरेज, दिस इज कॉल्ड गोल्डन क्रॉसओवर। और गोल्डन क्रॉसओवर पे के आने के बाद 200-day मूविंग एवरेज आपका जो है डायमंड अपॉर्चुनिटी होती है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे 300 के लेवल पे आपको ऑलरेडी एक बहुत ही बढ़िया डायमंड अपॉर्चुनिटी मिली थी सितंबर 2018 में, और उसके बाद फिर से आई थी सितंबर 2019 में ये डायमंड अपॉर्चुनिटी। दो बार डायमंड अपॉर्चुनिटी आपको स्टॉक में मिली थी। अभी स्टॉक जो है ऊपर बिल्कुल पीक पे है। अब जरा इसको देखें, इस पॉइंट को देखें और समझें। पीक पे आने के बाद 50-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का इसने सपोर्ट लिया, और जो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, डायमंड अपॉर्चुनिटी होती है, पिछले 2 दिनों में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट जरूर देखने को मिला है। और मुझे लगता है कि अब जो है द रियल स्टोरी विल स्टार्ट नाउ।
रियल स्टोरी कैसे, देखिए अब आवरली पे आ जाइए। अब आवरली पे रियल स्टोरी आपको देखने को मिलेगी। आवरली चार्ट को जरा अगर आप देख पा रहे हो तो देखिए, जब ये 8 जनवरी को गिरावट आई थी और 518 का इसने सपोर्ट लिया था, देख पा रहे हो क्लियरली। ये आवरली टाइम फ्रेम इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ छोटे टाइम फ्रेम पे, ताकि जो स्विंग ट्रेडर हों, जो पोजिशनल ट्रेडर हों, उनको भी फायदा मिल पाए। तो देखिए 518 517 के लेवल पे आया था, फिर से वापस गया 550 के लेवल पे, फिर नीचे गिरा और उसी सपोर्ट के आसपास एक बड़ा आप देखिए लोअर शेडो जहां पे देखने को मिल रही है इस कैंडल में। देखिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी यहां पे मिली 518-19 के आसपास, डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न इसने बनाया और फिर से जंप 535 के लेवल पे ले गया था। अब मुझे लगता है कि ये जो अपना 548 का हाई था इसको पार करने वाला है, फिर जो ऊपर जो रिसेंट हाई इसने 550 को बनाया उसको भी बहुत जल्द पार करने वाला है। यानी कि जो स्टॉक है उसमें एक पॉजिटिव सेंटिमेंट, बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक पॉजिटिव सेंटिमेंट अब दिखेगा जो इसको बहुत ऊपर लेके जाने वाला है। इवन आप देख पा रहे हो कि लास्ट के 15 मिनट की अगर मैं बात करूँ, ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, आप देख पा रहे हो कि लास्ट के 15 मिनट में भी बढ़िया जंप आपको देखने को मिल रहा होगा। जो ब्रेकआउट लेवल 536 के आसपास था वो भी पार होने वाला है। तो कहीं ना कहीं आईसीआईसीआई बैंक के शेयर के इन्वेस्टर रेडी हो जाएं, आप मालामाल होने वाले हो मंडे को। और उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।